हार्दिक बधाई। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री संजय यादव को कोटा दक्षिण नगर निगम में सहवरित पार्षद मनोनीत होने पर हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी और कोटा जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी जी का हार्दिक आभार। शुभेच्छु समस्त शहर जिला कांग्रेस कमेटी और समस्त कांग्रेस कार्यकर्तागण। सीएम गहलोत ने कहा बाढ़ में सेना की मदद ली जाएगी। आज दिल्ली में राजस्थान के बीजेपी सांसदों की बैठक। कोटा में एक साथ उठी सात अर्थियां, सीएम ने व्यक्त किया शोक। अजमेर जिला प्रमुख ने की जन सुनवाई, प्रकरणों का किया निस्तारण। पूर्व मंत्री रघुवीर मीणा पहुंचे विजयनगर, शोक सभा में हुए शामिल। बेगलियावास ग्रामवासियों ने मनाया भामाशाह का जन्मदिन। अनुच्छेद 341 को लेकर बवाल, ओल्मा काउंसिल ने की पीएम से अपील। आना सागर झील हुई लबालब, खोले दो चैनल गेट। कार नाले में गिरी, कोई हताहत नहीं। और कोटा बैराज के 10 गेट खोले। जानेंगे खबर अब विस्तार से। राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यहां 100 से अधिक गांवों से सड़क संपर्क टूट गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और सिविल डिफेंस के दल मदद कार्य कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर सेना की मदद ली जाएगी। उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया कि धौलपुर में भी चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और भरतपुर में अधिक बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। भरतपुर और धौलपुर में भी प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। आमजन से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें और परेशानी होने पर प्रशासन को तुरंत सूचित करें। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों में राज्य के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश हुई है। बारा और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश के कारण कई गांव द्वीप जैसे बन गए और उनका सड़क संपर्क टूट गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में प्रदेश के सांसदों की बैठक लेंगे। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। सांसदों के साथ संगठनात्मक बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संवाद होगा। जेपी नड्डा, बीएल संतोष और पूनिया राजस्थान के सांसदों के साथ समीक्षा बैठक में कोविड-19 में हुए प्रदेश में पार्टी की सेवा ही संगठन के सेवा कार्यों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और लाभार्थियों तक पहुंच, सांसद विकास कार्यों की समीक्षा और पार्टी के आगामी कार्योजना सहित विभिन्न बिंदुओं पर संवाद करेंगे। इसी के चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया दो दिवसीय दिल्ली प्रवास पर बुधवार दोपहर को रवाना हो गए। कोटा शहर में देर रात बड़ा हादसा होने से हड़कंप मच गया। शहर के नाव घाट रोड पर स्थित महेंद्र केवट के परिवार पर आफत की बरसात कहर बनकर टूट गई और परिवार तबाह हो गया। देर रात को मृतक महेंद्र के मकान पर समीप ही बनी नगर पालिका की सुरक्षा दीवार आ गिरी। इससे मकान ढह गया और घर में सो रहे सात जने मलबे में दब गए। धमाके की आहट से पड़ोसी दौड़कर पहुंचे और केशवराय पाटन पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पड़ोसियों और पालिका के नाम मात्र कर्मचारियों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक महिला और बच्ची को गंभीर घायल अवस्था से बाहर निकाला गया। कोटा रेफर करवाया तो अन्य पांच जनों को बाहर निकालने के लिए लंबे समय तक जेसीबी की बाट जोहनी पड़ी। इस दौरान कोटा रेफर दोनों घायलों ने भी दम तोड़ दिया। इस हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बूंदी के केशवराय पाटन में दीवार गिरने से मकान ढहने पर हुए हादसे में सात लोगों की मौत बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभावितों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उन्हें इस कठिन समय से संबल दे और दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। अजमेर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा द्वारा जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें रूपनगर
पेयजल समस्या ग्राम पंचायत भावता में फर्म का लंबित भुगतान अंबेडकर सर्किल भिनाय प्रकरण ग्राम पंचायत शोकलिया में ऑडिट इत्यादि प्रकरण रहे। इस संबंध में जिला प्रमुख ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में श्री गौरव सैनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, मुरारीलाल वर्मा अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रफुल्ल चौबीसा अतिरिक्त निदेशक समाज कल्याण विभाग, श्रीमती अंजना शुभम जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक, श्रीमती पुष्पा सिंह जिला आयोजन अधिकारी, डॉक्टर संपत सिंह जोधा अति चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी, धारू सिंह चौहान वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला परिषद, संजीव माथुर अधिशासी अभियंता केकड़ी, श्रीमती आरती यादव अतिरिक्त निदेशक समाज कल्याण विभाग और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और सांसद रघुवीर मीणा कल प्रज्ञाकारी विजयनगर पहुंचे। मंत्री जी के साथ ही पूर्व देहात जिला अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। विजयनगर के पूर्व पार्षद स्वर्गीय ब्रजेश तिवारी के निधन के बाद शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए मीणा जी कल शाम 5 बजे तिवारी के निवास स्थान पर पहुंचे। उसके बाद वो क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरी हुए। हमारे युवा पत्रकार इरफान अली देशवाली को उपरोक्त जानकारी वार्ड संख्या 22 के कर्मठ पार्षद नौशाद जी मोहम्मद ने दी है। इस अवसर पर पूर्व देहात जिला अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज्य में आम आदमी के लिए विकास कार्यों की गंगा बहाई जा रही है। इस अवसर पर श्याम नागौरी, दुलीचंद बैरवा, मूल सिंह राठौर, भवानी शंकर तिवारी, ओम प्रकाश माली, शशि प्रकाश सेन, उषा कलवानी, अनिल कोठारी, सुमित सोनी, इमरान कंपाउंडर, शहजाद मंसूरी, रामलाल लंगवाड़ और तमाम कांग्रेसकर्ता मौजूद रहे। अजमेर जिले के ग्राम बेगलियावास में कल भामाशाह सुनील जी कावड़िया का जन्मदिन मनाया गया। इस शुभ अवसर पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा केक काटकर भामाशाह को बधाई दी गई। समारोह में पूर्व सरपंच भोजराज जी बैरवा, समाज सेवी कमलेश कुमार जी सैन, रामेश्वर सोलंकी, हरगोविंद सिंह राठौर, रणजीत जाट, राहुल सैन, विकासपुरी नारायण जाट, तेजकरण चौधरी, नरेंद्रपुरी, भंवरलाल वैष्णव, देवीलाल घनश्याम, डॉक्टर सुरेश जाट इत्यादि ग्रामीण उपस्थित रहे। इन दिनों एक दावा किया जा रहा है कि एनआरसी सीए और एनपीआर के बाद अब केंद्र सरकार एक और कानून लाने जा रही है जिससे ओबीसी एससी एसटी का हक अधिकार समाप्त होने वाला है। सरकार धारा 341 हटाने जा रही है जिसके तहत ओबीसी एससी एसटी का जन्म प्रमाण पत्र बनता है और उसके आधार पर आरक्षण मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो विभिन्न जातियों और कबीलों के नाम एक विशेष सूची में शामिल कर दे। 1950 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के जरिए एक अनुसूची जारी की जिसमें पिछड़ी जातियों जनजातियों के भागों को शामिल किया गया था। बाद में सूचीबद्ध जातियों और जनजातियों को ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सैयद यूनुस अली ने बताया कि धारा 341 में किया गया संशोधन में यह स्पष्ट है कि सिर्फ हिंदू धर्म के दलित को छोड़कर किसी अन्य धर्म के दलित को आरक्षण न दिया जाए, जबकि मुसलमानों में धोबी, मेहतर, मोची, नट, हलालखोर, नट भी दलित की श्रेणी में आते हैं। काउंसिल ने प्रधानमंत्री से धारा 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाकर दलित, मुसलमान और ईसाइयों के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को बहाल करके सबका साथ सबका विकास के वायदे को पूरा किए जाने की मांग की है। अजमेर में लगातार मूसलाधार बारिश से लबालब हुई अनासागर झील में पानी निकासी के लिए सिंचाई विभाग ने 2 चैनल गेट खोल दिए। जिला प्रशासन द्वारा अनासागर गेट 11 फीट आने तक अतिरिक्त पानी को चैनल गेट जरिए छोड़ना जारी रखेगा। अनासागर झील में पानी की आवक अचानक से बढ़ गई, लिहाजा जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के निर्देश पर सिंचाई विभाग की टीम ने अधीक्षण अभियंता आनंद त्रिपाठी की अगुवाई में गेट नंबर 3 और 4 को खोला। 8-8 इंच गेट खुलते ही पानी की निकासी शुरू हो गई। झील की भराव क्षमता 13 फीट 2 इंच से ज्यादा है। इसकी सुरक्षा के लिए पानी कम करने का फैसला किया गया है। बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित अटवाल नगर में एक कार बारिश की वजह से अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। कार में बैठे 2 महिलाओं और पुरुष को क्षेत्रवासियों ने सही सलामत बाहर निकाल लिया। कोटा से हमारे शिव 24 संवाददाता उमेश गोस्वामी ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हमारे शिव 24 न्यूज कोटा उदयपुर जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि कोटा शहर में जहां नजर आता है वहीं पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कोटा बैराज के 10 गेट खोलकर लगभग 70,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इधर झालावाड़ में भी काली सिंध के 4 गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। काली सिंध के 4 गेट को 1-1 मीटर खोलकर 16,370 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। शहर में कई इलाकों के घरों में पानी भरने के कारण लोगों ने छतों पर रात गुजारी। अभी भी वो छतों पर ही डेरा डाले हुए हैं। SDRF और नगर निगम का रेस्क्यू दल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हुए हैं। अपनी बुआ से मिलने के लिए कोटा आए एक युवक की नाले में डूबने से मौत हो गई। कोटा से हमारे शिव 24 संवाददाता अनुभव मित्तल ने बताया कि मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों सहित करीब आधा दर्जन पार्षदों के नेतृत्व में लोगों ने धरना दिया और आक्रोश जताया। हालांकि मौत के कारणों की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने मौत को संदिग्ध बताते हुए फिलहाल शव को अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवाया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जिले में लगातार भारी बरसात और कोटा बैराज से पानी की निकासी के कारण अनेक स्थानों पर जल भराव की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर उज्जवल राठौर ने सेना के एक टुकड़े को भिजवाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। कोटा से हमारे शिव 24 जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि उन्होंने प्रमुख शासन सचिव आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग और आर्मी सेंटर कोटा के स्टेशन कमांडर को पत्र लिखकर सैन्य टुकड़ी में आवश्यक संसाधन के भिजवाने का आग्रह किया है।
लुआवत गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। बाढ़ के कारण दर्जनों कच्चे मकान ढह गए, सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी भर गया। कोटा से हमारे शिफ्ट 24 जोनल हेड दुष्यंत सिंह गहलोत ने बताया कि बाढ़ के हालात के बाद पूर्व सरपंच रफीक पठान के नेतृत्व में युवाओं ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। उदयपुर की DST और अंबा माता थाना पुलिस ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कॉल सेंटर पर छापा मारा। उदयपुर से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता राजेश डांगी ने बताया कि टीम ने लोयरा रंक बका होटल में छापेमारी कर मास्टरमाइंड सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में दो युवतियां भी शामिल हैं। इस होटल से बैठे बैठे युवक युवतियां विदेशियों को ठगी का शिकार बना रहे थे। बारां क्षेत्र में सुबह से ही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर रहे। बम्बोरी खाड़ी में पानी की ज्यादा आवक रही। पुलिया पर पानी आने से प्रशासन ने इस रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही बंद कर दी। बारां से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता हर्षित सक्सेना ने बताया कि बम्बोरी खाड़ी में तूफान आने से करीब 20 लोग बाढ़ में फंस गए। सूचना मिलने पर कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पालिका टीम ने रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसे करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेबारपुरा के पास बागड़ी नदी में बाढ़ आ जाने से फंसे करीब 40 व्यक्तियों को SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। केशोराय पाटन से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता सुनील मेघवाल ने बताया कि बूंदी जिले के केशोराय पाटन में लगभग सुबह 3 बजे केशव राय मंदिर के पास सुरक्षा दीवार मकान पर गिरने से उसके सो रहे सभी लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में 3 बच्चे, 2 महिला और पुरुष शामिल है। खबर की सूचना मिलने पर मौके प्रशासन के साथ बूंदी कलेक्टर अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।